हम अभी सोनमर्ग में हैं और यहाँ पे शीतलहर का प्रकोप समझाने के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सोनमर्ग में बहता हुआ पानी है जो कि पहाड़ों से आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा पानी जो है वो जम गया है। और कहा जा सकता है कि ऊपर से जमी हुई परत है और नीचे से इसके नीचे से जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मोटी जो लेयर है, जो कह सकते हैं बर्फ़ की, वो हो गई है और उसके नीचे से ये पानी जो है अभी बह रहा है। लेकिन बता दें आपको कि माइनस तापमान की तीव्रता के चलते जो ये अधिकतर पानी है वो जम गया है। यानी अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो यहाँ पे जो तापमान है वो माइनस 10 में जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पे अगर पूरी घाटी की बात करें तो माइनस जो तापमान है वो कई जगहों पर जो चल रहा है, यानी शून्य से नीचे जो तापमान है वो कई जगहों पर है। और अभी अगर मौसम विभाग की बात करें तो एक सप्ताह तक, यानी 8 जनवरी तक जो है इस मौसम में राहत की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। 8 जनवरी के बाद से ही थोड़ा बहुत मौसम जो है उसमें जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसके चलते कह सकते हैं इस शीतलहर लहर में जो है राहत मिल सकती है। महराज अहमद टीवी ने।